तो आज हम सीखेंगे कैसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, स्पेशली इंग्लिश के। सबसे पहले आपका आएगा अनसीन पैसेज। आपको क्या करना है, जो आपको 15 मिनट्स मिलते हैं पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, उसमें आपको पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना। सबसे पहले आप अनसीन पैसेज पढ़िए, उसके बाद अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस पढ़िए, फिर दोबारा अनसीन पैसेज पढ़िए। उससे क्या होता है, कभी भी आपके आंसर्स गलत नहीं हो सकते, अनसीन पैसेज इतना भी हार्ड नहीं होता। उसके बाद आपका आता है ग्रामर सेक्शन। देखिए, अगर ग्रामर आती है तो ठीक है, नहीं आती तो उस पर टाइम वेस्ट मत करिए, सीधा चाहिए अपने लिटरेचर पार्ट पे। लिटरेचर पार्ट में भी आपको दोबारा एक पैसेज मिलेगा, क्योंकि आपने ये पैसेज पढ़ा हुआ है पहले से, आपकी बुक से होगा, तो आप वन टाइम रीड भी करेंगे जब भी आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। उसके बाद सॉल्व करिए क्वेश्चन एंड आंसर्स। ट्राई करिए कि जितने वर्ड्स में कहा गया उतने ही वर्ड्स में आंसर लिखिए, उससे ज़्यादा मत लिखिए, बिकॉज टाइम आपका ही है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, एग्जाम में हर एक मिनट मैटर करता है। उसके बाद जो टाइम बच जाए उसके बाद आप ग्रामर कर लीजिए।